वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास परमजीत सिंह पट्टी, पिंड डासका, जिला संगरूर, तहसील लहरा गागा। हर ऐतवार को पिंड डासके दे विच मैं मरीजां नू मिलदा, जिहड़े भयानक तो भयानक बीमारियां दे नाल कई कई सालां तों जूझ रहे है, और एलोपैथी दवाइयां दे विच कई कई सालां तों खा खा के अपने शरीर नू गाल रहे है, अपनी सेहत दी ते पैसे दी बर्बादी कर रहे है। वो हर ऐतवार नू मैनू मिल के अपनी नब्ज दिखा के देसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां दे नाल अपने इलाज करवा सकते हो। बाकी हर वार आपां तुहाडे चरणां दे विच यूट्यूब दे जरिए जतन करीदा, जो साडे कोले ज्ञान है वो तुहाडी झोली च पाउण दा। बहुत नुक्ते महापुरशां दे मैं तुहाडी झोली च पाए है और पाउंदे आ रहे हैं, और बहुत लखां लोग ने जिन्हां ने इन्हां नुक्तियां तों आप फायदा लिया, होरां नूं अगे दस्या, बड़ियां टीमां बनियां हुईयां ने। बाहरले हर एक फॉरन कंट्री दे विच मैनूं फोन आउंदे है जिन्हां ने एक टीम बनाई हुई है आयुर्वेद दे नाल जोड़न वास्ते। इत्थे इंडिया दे विच भी बहुत सारियां कमेटियां ग्रुप बने हुए है जिहड़े घर घर तक आयुर्वेद नूं पहुँचा रहे है, इस ज्ञान नूं पहुँचा रहे है। उन्हां सारियां दा ही धन्नवाद मैं करदा। बाकी जिन्हां ने हाले तक साडा चैनल है जिहड़ा सबसक्राइब नहीं किया, वो जरूर एक बारी जो लाल बटन तुहाडी स्क्रीन ते दिस रहा है उन्हों दबा के नाल घंटी वाला बटन दबा के साडे चैनल दे हिस्सेदार बन जाओ, तां जो जिहड़ी भी वीडियो असी हर एक बीमारी दे विषय च तुहाडे चरणां च लैके आउने आ वो तुहाडे तक पहल दे आधार ते पहुँच सके, तुसी आप उस तो फायदा लै सको और अगे उस ज्ञान नू वंड सको, क्योंकि ज्ञान है जिहड़ा वो वंडन नाल वधदा है। तुहाडी सेहत तंदुरुस्त होवे, तुसी तंदुरुस्त होवोगे तां ही साडा सारा समाज है जिहड़ा वो तंदुरुस्त होएगा। अगर इस दुनिया दे विच वेखो तुरदे नू डिगण वाले बड़े है पर डिगे नू उंगल फड़ के उठा के चलाउण वाले बहुत घट है, हसदे नू रवाउण वाले ते बहुत ने यार पर रोंदे नू हसाउण वाले बहुत घट है। सुखी नू दुखी ते एक मिंट च कीता जा सकदा है पर दुखी नू सुखी करन वाले बहुत घट है, ते आपां इन्हां लिस्टां च ना आईए, हमेशा चंगी लिस्ट च आउण दा जतन करिया करो, क्योंकि आयुर्वेद है ना जो साडा वो कहिंदा है अगर तुसीं किसे नू रोंदे नू हसाने हो और डिगे नू उठाने हो और किसी दुखी नू सुखी करन दे वास्ते जतन करदे हो, असल मुक्ति दे भागी तां हो। ते जतन करिया करो किसी दुखी नू सुखी करन दा, यार जो ज्ञान है तुहाडे कोले उस ज्ञान नू अगे वंडन दा। सो मैं हर ऐतवार नू पिंड डसके दे विच मिलदा, तुसी नब्ज दिखा के अपना आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां दे नाल इलाज करवा सकदे हो, जिहड़े कई कई सालां तों वड्डियां वड्डियां बीमारियां नाल जूझ रहे हो वो बहुत ही सरल तरीके दे नाल देसी जड़ी बूटियां दे नाल अपने रोग नू ठीक कर सकदे हो। हर ऐतवार नू पिंड डसके दे विच मैं मिलदा, सवेरे 6 बजे तो शाम दे 7 बज जाण चाहे 8 बज जाण मरीजां नू मिलदे हां, मैं मिलदे ही मिलदा, पर मिलदे हर ऐतवार आपां। सो आप जी मिल सकदे हो। सो अज जिहड़ा विशा है वो है पत्थरी, एक बहुत ही भयानक रोग है। 15% ये कवर हो चुके हैं, भी तुसी 100 बंदियां चो 15 नू ये होएगा ही होएगा, 15% 100 चो 15% ये रोग है जिहड़ा इहदी रेंज है, ते बहुत भयानक रोग कह सकते हैं इहनू, क्योंकि इहदे कारण कई बारी गुर्दे ने जिहड़े वो भी खत्म हो जाते हैं जदों किडनी दे विच आ जाता है, ते इन्ना भयानक दर्द इहदा उठता है भी बर्दाश्त करना बहुत औखा हो जाता बंदे नू। ते किसे नू दुखी नू आपां सुखी कर सकीए ये नुक्ता उन्हां वास्ते अमृत है जिन्हां दे पत्थरी है। पत्थरी छोटे छोटे कण भी हो सकते हैं रेत वर्गे,
ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਮਐਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਖੋਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੱਥਰੀ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਮਾਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਦਿਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਿਕ ਐਕਸਿਡ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਲੀ ਹੈ, ਸਿਆਲ ਲੰਘ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੂਲੀ ਦਾ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੂਲੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਰਸ ਕੱਢ ਲਓ। ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਰਸ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ, ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮੂਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਮੂਲੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੂਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਵਰਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲਓ ਪੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਵਰਤੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ ਗਮਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬੂਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੱਲੇ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਰੋਜ਼ ਚੱਬ ਚੱਬ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪੱਤਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਰੋਗ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ, ਪੱਥਰੀ ਕਦੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਓ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਸਿਆਲ 'ਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪੀਓ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਘੜੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15-20 ਗਲਾਸ ਵੀ ਪੀਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਲਓ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ, ਨਿਧਾਨਾ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕੁਦਰਤ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ, ਰੁੱਖ ਹਨ, ਪੌਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 3 ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੋ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 5 ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਰ ਪੱਥਰ ਭਸਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਸਾਰੀਆਂ ਦਿਓ, 50-50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬੇਰ ਪੱਥਰ ਭਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਕਲਮੀ ਸੋਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ।
जौ खार वह भी तुसी 50 ग्राम ले लो, मूली खार वह भी तुसी 50 ग्राम ले लो, ठीकरी नुसादर यह भी तुसी 50 ग्राम ले लो, इस तरह मूली खार यह भी तुसी 50 ग्राम ले लो, और सज्जी खार, सज्जी खार यह भी तुसी 50 ग्राम ले लो। इस तरह तुसी पखाण भेद, पखाण भेद यह भी तुसी 50 ग्राम ले लो, और वर्ण शाल, वर्ण शाल यह भी तुसी 50 ग्राम ले लो। ये सारिया चीज़ां लेके पीस के मिक्स करके पाउडर बना के रख लो। एक चमचा सवेरे, एक चमचा दोपहरे, एक चमचा शाम नू, रोटी तो पहला, सवेरे खाली पेट, दोपहरे रोटी तो 2 घंटे पहला, शाम नू फिर रोटी तो 2 घंटे पहला। खारे दे नाल ले लो, चाहे चाहे एक गिलास पानी दे विच एक नींबू नचोड़ के उहदे नाल ले लो। दोनों चीज़ों जो जिहड़ी चीज़ वधिया लगती है वह ले लो, चाहे खारा ले लो, चाहे एक गिलास दे विच एक दो नींबू नचोड़ के उहदे नाल ले लो। तिन्ने टाइम ये लैना है, तो जो दवाई लैनी शुरू करोगे, खाने वाली चीज़ा घट, पीने वाली चीज़ा ने जड़िया, लिक्विड चीज़ा ज़्यादा वरतो, जूस वध तो वध वरतो, लस्सी वध तो वध पीओ, भावें दी पानी वध तो वध पीओ, और प्रैशर जो पूरा पेशाब का बन जाए फिर ही पेशाब करो। तो मैं कहना भी एक महीना लगेगा, एक महीने चाहे जिड्डी मर्जी पत्थरी है तुहाडे गुरदे दे विच, वो गरंटी दे नाल निकल जाएगी। ये महापुरशां दे दसे हुए बहुत ही सुंदर, बहुत ही सोहने तरीके है, पर मैं ये तुहाडे चरणां च हथ बन के बेनती करदा, तुसी ना पत्थर चट रोज़ वरतना शुरू कर दो, मूली जदों सीजन आउंदी है वह खानी शुरू कर दो, पानी वध तो वध पीना शुरू कर दो, पत्थरी बनेगी नहीं यार, रोग आएगा ही नहीं। तरीके देसी वरत लो, फैशन चो निकल जाओ, इस कुदरत दे नाल जुड़ जाओ, देस सिंपल जीवन दे विच आ जाओ, तां तुहानूं कदे रोग आ ही नहीं सकता। एक गुड़हल दा पौधा हुंदा है, गुड़हल हैवी कश भी कह दिंदे आपां, गुड़हल भी हुंदा है, ते ए बूटा है, ये फुल तुहाडे वेहड़े नूं चार चन्न लाउणगे, उदों जदों फुल थल्ले डिग जाण उहनां नूं सुका के उहनां दा पाउडर बना लो, ये भी पत्थरी नूं खत्म कर देंदे है, ये भी पत्थरी होण ही नहीं देंदे, ये भी बहुत तगड़ी चीज़ है। तुसीं बहुत ने कुदरत दे विच ऐसियां जड़ी बूटियां, मैं किन्नियां कदे नाम दसां, तुसीं एक वरत लो जिन्नियां मैं इहनां चों दस्सिया है, तां तुहानूं पत्थरी हो ही नहीं सकदी, अगर हो गई तां मैं उह वी इलाज तुहानूं इहदे विच दस चुक्कियां। तां इहनां चों कोई भी तरीका तुसीं यार वरतो, ता जो सानू ये रोग हो ही ना सके, ते जिन्हों होया वो वरत के इस रोग तो छुटकारा पा लो। बाकी जे किसी दे नेड़े तेड़े रिश्तेदारी च है रोग, तो उन्होंने जरूर दस्या करो, जिन्या कि दस सकते हो जरूर दस्या करो, अगे वीडियो भी शेयर कर दिया करो, ता जो किसी का भला हो सके। बाकी लिख के रख लिया करो, अगे जरूर ज्ञान वंडिया करो, ता जो कोई यार दुखी है जड़ा सुखी हो जाए, बस होर आपां की लेना है। मेरी ये मेहनत कीती हुई सफल हो जाए, तुहाडी कीती हुई सफल हो जाए, आपां एक भी दुखी नूं सुखी करता ना जे, तां उहदा बड़ा वड्डा फल है परमात्मा दे घर च, उस दीन दुनिया दे मालक दे चरणां च अपना आया सफल हो जाएगा। होर वड्डे काम नहीं आपां कर सकते, लंगर नहीं ला सकते, आपां ज़्यादा बाणी नहीं पढ़ सकते, आपां ज़्यादा अखंड पाठ साहिब नहीं कर सकते, पर किसी दुखी नूं सुखी करन दा जो ये तुसी आदत पा लो, किसी दुखी नूं सुखी कर दिओ, तां बहुत वड्डी सेवा है। बस इहनूं निभाओ, आपां सारे रल मिल के देश नूं, अपने समाज नूं, अपने आले दुआले नूं तंदुरुस्त रख सकीए, सब नूं खुश कर सकीए, सब नूं सुखी कर सकीए, इत्थे दुखी ना कोई रहे, तां अपना इह सब दा जतनशील रहीए, सारे सहयोग करिए, तां ही इह गल बनेगी। बाकी जिन्नियां विदेशां दे विच जिन्नी संगत साडे नाल जुड़ी हुई है, उन्हां सब दा धन्नवाद जो अगे भी ज्ञान वंड रहे है, अगे भी दस रहे है, नाल जुड़े हुए है। इंडिया दे विच भी जिन्नियां कमेटियां क्लब जुड़े हुए है, उन्हां सब दा धन्नवाद। बाकी जिन्हें साडे नाल सहयोग दे रहे है, साडे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के चल रहे है, सब दा ही तुहाडा धन्नवाद। बस आओ रल मिल के समाज नूं तंदुरुस्त कर सकीए, उस महान गुरुआं पीरां दी धरती इस हिंदुस्तान कह लो, भारत कह लो, पंजाब साडा है गुरुआं दी धरती।
इस धरती ते आपां दुखी ना किसे नू कर सकीए, सुखी करिए, बस ये साडा जतन है। तुहाडा सब दा धन्नवाद जिन्ने जुड़े हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।